नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमन चौधरी। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एनपीके प्लस पोटाश के मिक्स स्प्रे का प्याज की फसल पर शानदार रिजल्ट दिखा रहा हूँ। किसान भाइयों, प्याज की फसल में कंद बनने वाली स्टेज पर है। एनपीके और पोटाश का मिश्रित स्प्रे उत्पादन में 4 चांद लगा देता है। इससे 150 से 200 मण प्रति बीघा का औसतन उत्पादन प्राप्त होता है। अब बात करें कि इसकी कितनी मात्रा आप अपनी फसल में दें, तो आप एनपीके 50 किलोग्राम प्रति एकड़ एवं पोटाश 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में दें, जिससे शानदार रिजल्ट आपको अपनी फसल में देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, एनपीके और पोटाश के स्प्रे के बाद फसल में नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फसल में पानी चलाते रहें। अगर आपकी प्याज की फसल में पीलापन है तो सीधे एनपीके का स्प्रे ना करें। पहले ग्रो मिक्स का 500 ml प्रति 15 लीटर पानी के साथ स्प्रे करने के बाद जब आपकी फसल में पीलापन गायब हो जाए, उसके बाद फसल में एनपीके 50 किलोग्राम एवं पोटाश 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करने के बाद सिंचाई करें। प्याज की फसल की पूर्ण तैयारी से 20 से 25 दिन पहले आप प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट खाद का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि इसके स्प्रे से आपकी प्याज की फसल की भंडारक क्षमता बढ़ जाएगी और उत्पादन भी अच्छा आएगा। अब बात करें कि इसकी कितनी मात्रा अपनी फसलों में के अंदर दें, तो आप अपनी प्याज की फसल में 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दें। अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है कि कैल्शियम नाइट्रेट खाद को कौन सी खाद के साथ मिलाकर दें, तो किसान भाइयों, आप बोरोन के साथ कैल्शियम नाइट्रेट खाद मिलाकर दें, जिसके बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर टिक कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान, जय किसान।